अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे इज़ द लेक्चर ऑफ क्लास 8, लेक्चर नंबर 2, मैथ्स. ओके, नाउ टॉपिक इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ओके, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ विद द रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन. वी हैव अप्लाइड स्टूडेंट्स इन दिस टॉपिक इन दिस एक्सरसाइज डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सेट लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शंस एंड अदर ऑपरेशन. ओके, एंड वी हैव वेरीफाइड सम लॉज अकॉर्डिंग टू द गिवन सेक्शन. ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन टर्म, गिवन क्वेश्चन. ओके, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द कम्यूटेटिव लॉज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन. Union and intersection we discussed later it. Okay, so written as A union B is equal to B union A commutative law over union A intersection. This sign ulta U jo bana hua hai isko intersection padhenge. A union B is equal to B union A commutative law over intersection. This reverse U sign is called intersection and this U sign is called union. This U sign is called union sign and this sign is called intersection. Okay, intersection operations on sets. Okay, here A and B are two different sets with different number, different operations. Okay, students. Now come to the exercise. Exercise number 1.2. Okay, verify. First question A is A union B is equal to B union A. We have to prove that A union B is equal to B union A. And B is A intersection B is equal to B intersection A. We have to prove also A intersection B and B intersection A. ये दो questions हैं, उनको हमने prove करना. Okay. सो टू स्टेट, टू क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, टू सेट्स गिवन है. इसको प्रूव करने के लिए इस पर भी अप्लाई करना है, इसको प्रूव करने के लिए इस पर भी अप्लाई करना है, फिर दोनों को प्रूव करने के लिए इस पार्ट पे भी अप्लाई करना है. ठीक है, नाउ वी डिस्कस स्टूडेंट पार्ट ए. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. ओके, वी हैव टू वेरीफाई डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. हियर द टू सेट्स आर गिवन, सेट ए 1, 2, 3 to 10. Set A contains 1 to 10 numbers and set B contains 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have to prove that A union B is equal to B union A. First of all, student, you should understood what is the union. Okay, union of two sets is the union of two sets. It belongs to set A, set B, all members. Belongs to all members of set A, set B and both A or B. जो union होता है दो sets का बेटा students, वो set A, set B या दोनों में से belongs करता है, दोनों में से ताल्लुक रखता है, दोनों में से होता है, लेकिन उसमें कोई भी digit, number या member repeat नहीं होता है. union में हम बेटा स्टूडेंट्स दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी. ओके स्टूडेंट्स, सो ए यूनियन बी, हियर फर्स्ट सेट इज ए, सो राइट फर्स्ट ए. ए सेट इज 1, 2, 3 to 10. ओके, देन यूनियन साइन हेयर एंड बी सेट बिलोंग 7, 8, 9, 10, 11, 12. एज यू नो डैट स्टूडेंट द यूनियन ऑफ टू सेट इट बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड सेट बी. ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. हमने तमाम मेंबर्स को लिखना है, यूनियन में हम तमाम मेंबर्स को लिखते हैं, दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को लिखते हैं, लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा यूनियन में बेटा स्टूडेंट्स. इसमें कोई भी नंबर, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसको हम
तरतीब के साथ लिखेंगे. वी हैव अरेंज द नंबर इन सीक्वेंस, फर्स्ट वन टू थ्री, ओके फोर फाइव सिक्स. एज यू सी डैट स्टूडेंट, सेवन इज ऑल्सो हेयर एंड सेवन इज ऑल्सो इन सेट बी. वी हैव राइट ओनली सिंगल टाइम सेवन. एट इज ऑल्सो हेयर, एट इज ऑल्सो हेयर, सो स्टूडेंट्स राइट एट ओनली वंस. नाइन इज ऑल्सो हेयर, नाइन इज ऑल्सो हेयर, सो नाइन राइट ओनली वंस. ओके टेन इज ऑल्सो हेयर, टेन इज ऑल्सो हेयर, ओके बट हेयर नॉट इज इलेवन, बट इलेवन इज हेयर, सो ऑल्सो राइट इलेवन. ओके बिकॉज इन यूनियन वी हैव राइट ऑल द मेम्बर बिलोंग्स टू ए एंड बी एंड बोथ. ओके हमने क्या करना होता है यूनियन में बेटा, तमाम सेट्स को लिख, तमाम सेट्स के मेम्बर्स को लिखते हैं. ओके सो आवर आंसर इज 1 to 12. वी राइट एज 1, 2, 3, सो ऑन टू 12. ओके देन राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड इज बी यूनियन ए, बी यूनियन ए. ओके बी यूनियन ए. ओके स्टूडेंट्स सो वी राइट बी सेट एज फर्स्ट. ओके 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके देन यूनियन साइन एंड राइट सेट ए 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू 10. ओके एज पर डेफिनेशन ऑफ यूनियन राइट ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स बट इन सीक्वेंस. सो राइट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 इज हेयर, 7 इज ऑल्सो हेयर, सो राइट ओनली वंस. 8, 9 इज ऑल्सो हेयर, 8, 9 इज ऑल्सो हेयर. 10 इज ऑल्सो हेयर, 10 इज ऑल्सो हेयर, सो राइट ओनली वंस. एक ही दफ़ा सबको लिखेंगे. ओके देन 11 and 12. ओके स्टूडेंट्स we write as 1, 2, 3, so on to 12 in short form. Okay, student, as you see that as per result of union, A union B is also 1 to 12 and B union A is also 1 to 12. So, students, our first question, first part is verified that A union B is equal to B union A. A union B is equal to B union A proved. Hence proved. Write here hence proved. So student, proof for part 2 as well A union B is equal to B union A. You should solve this question as per part 1. Okay. Then now see A intersection B. A intersection B, this reverse U sign is called intersection. A intersection B is equal to B intersection A. We have to prove now A intersection B is equal to B intersection A. So let's start student. For this we have take second part. Okay. Here student we have to verify that A intersection B is equal to B intersection A. Here the two sets are given. Set A is 1, 2, 3 to 15. 1 to 15 is a set A and set B is 6, 8, 10 and so on to 20. If you know that the set of even numbers starting from 6 and ending in 20. The sets of even numbers starting from 6 and ends in 20. Okay students, now we have verified that A intersection B is equal to B intersection A. Okay students, first of all you know that you understood that what is the intersection. Intersection of two sets A and B, let's suppose you have to take two sets A and B. Intersection of two set is members belongs to both A and B. A and B members, all members belong both to A and B. दोनों में से belong करें, ऐसे members को लिखेंगे जो सिर्फ दोनों में से belong करेंगे. जितने भी members दोनों में belongs करेंगे दोनों में एक जैसे होंगे, means एक जैसे members को लिखेंगे. intersection में, union में हम बेटा
यूनियन में हम तमाम मेंबर्स को लिखते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ दोनों में जो एक जैसे मेंबर्स होंगे सिर्फ उनको लिखेंगे. ओके, वी हैव टू राइट ओनली द सेम मेंबर्स इन बोथ सेट ए एंड बी. ओके, सो लेट स्टार्ट. लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी. ओके, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट राइट सेट ए, 1 2 3. यू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड देन राइट सेट बी. इंटरसेक्शन साइन हेयर एंड राइट सेट बी, 6 8 10 12 14 16 18 and 20 expanded form. Okay students, now we have write A intersection B. As per definition, A intersection B is all the member belongs to both A and B. ऐसे ही members को लिखेंगे जो सिर्फ A और B में belong करेंगे. One is here but one is not here. Two is here but two is not here. 3 4 5 is here but not here. Now see, 6 is here and 6 is also here, so right here in intersection. Okay, 7 is here but not here. 8 is here, so 8 is also here, so right 8. Then 9 is not, 9 is here but 9 is not here. 10 is here, 10 is here, so 10. Then 12 likhenge because 12 belongs to both. 14 belongs to both. 14 belongs to both. Okay students, now this set ends, so our answer is completed because we have to write the same members from both sets. So this is our A intersection B. Now right hand side B intersection A, B intersection A, B intersection A. Okay, first B set is 6 8 10 12 14 16 18 20. Intersection A set is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Okay students, so let's see B intersection A. As per definition, we have to write the members that matches that same in both sets, belongs to both sets. Okay, so 6 is here, 6 is here, so write 6 here. 8 is here, 8 is here, so write 8. 10 12 14 16 18 20. 10 12 but 16 18 20 is not here, so only write 10 or 12. Only write 10 or 12, and then also 14 is here and 14 is also here, so write 14 also. Okay, so this is our answer of B intersection A. Okay students, so prove that as you see A intersection B is equal to 6 8 10 12 14 and B intersection A is also 6 8 10 12 14, so our answer is proved that A intersection B is equal to B intersection A. Okay, so this is your lecture student. So solve the first part for A intersection B and B intersection A also in your notes. Okay students, Allah Hafiz.